माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आगे शुरू करते हुए एक सिंपल सी थ्योरम करते हैं। यदि अल्फा और बीटा अलजेब्रिक नंबर हैं, सच दैट बीटा इज कंजुगेट ऑफ अल्फा, तो बीटा और अल्फा की सेम मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। लेट पी एक्स बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा एंड क्यू एक्स भी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बीटा। हमने पी एक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल अल्फा मान ली, क्यू एक्स की बीटा मान ली। बीटा इज कंजुगेट अल्फा, देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ कंजुगेट रूट्स, बीटा इज द कॉमन रूट ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स। फिर सुन लीजिए, हम क्या करें कि बीटा इज कंजुगेट ऑफ अल्फा, इट मीन्स बीटा इज कंजुगेट ऑफ अल्फा, तो जो बीटा जो है वो पी एक्स को भी सेटिस्फाई करेगा और हमें यहां पर मान रखा है क्यू एक्स को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब बीटा इन दोनों का कॉमन रूट है। अब हमने क्या किया, पी एक्स को क्यू एक्स से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया पी एक्स ए एक्स क्यू एक्स आर एक्स। यहां पर ए एक्स आर एक्स जो है इस फील्ड से बिलोंग करेंगे, इस पॉलिनोमियल रिंग से बिलोंग करेंगे। इस आर एक्स की वैल्यू या तो जीरो होगी या इसकी डिग्री लेस देन क्यू एक्स होगी। हमने यहां पर ये मान के चले हैं कि ये पी एक्स और क्यू एक्स जो है ये दोनों इसके अंदर हैं। ओके, नेक्स्ट। अब यदि मैं इसके अंदर अल्फा रख बीटा रख देता हूं, तो बीटा रखते ही जैसे कि आपको पता है ये जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, तो ये बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर बीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सिंस आपने बताया कि क्यू इज द मिनिमल पॉलिनोमियल बीटा और आर की डिग्री तो क्यू की डिग्री से भी कम है, इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो इस बीटा अपने से छोटी किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इसका मतलब एक ही संभावना है हमारे पास कि आर बीटा जीरो हो, तो हेंस वी गेट आर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ गया, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इंटू क्यू एक्स। बट पी एक्स जो है आपको मिनिमल है, इसका मतलब पी एक्स जो इरिड्यूसिबल होगी, तो बोथ पी एक्स एंड अच्छा इसका मतलब इरिड्यूसिबल होगी, तो इसका मतलब ये हो गया एंड बोथ पी एक्स एंड क्यू एक्स हार्मोनिक, तो इसकी वैल्यू को वन होना जरूरी है। इट मीन्स वी गेट दैट पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स, दोनों की मोनिक पोलिनो, दोनों की मिनिमल पोलिनोमियल सेम होगी। अगला पॉइंट, इफ अल्फा एंड बीटा आर कंजुगेट, ठीक है, यदि अल्फा और बीटा कंजुगेट हैं, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा हैव द सेम मिनिमल पोलिनोमियल, देन ये दोनों क्या होंगे, आइसोमोर्फिक। कैसे, हमें इन दोनों को आइसोमोर्फिक प्रूव करना है, तो आप मैपिंग बनाइए, अल्फा तो बीटा में जाए और एफ लैम्डा लैम्डा पे जाए व्हेन लैम्डा इज रैशनल। अब इसके अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज चलता हूं, यदि मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेता हूं, तो इसके अंदर दो ही जीरो है, ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, ये एक दूसरे के कंजुगेट है। क्यों, क्योंकि दे आर सेटिस्फाई द सेम मिनिमल पॉलिनोमियल। और एक और बात है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक भी हो जाएंगे इस लॉ से, क्या कि ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर में भेजो और रैशनल को रैशनल में भेजो। बट यदि मैं इन दो की लूं, तो मैं कहूंगा ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है। क्यों, क्योंकि बट दे डज नॉट सेटिस्फाई द सेम मिनिमल पॉलिनोमियल। आगे चलता हूं मैं, यदि मैं लेता हूं थीटा इक्वल टू थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री थीटा एन, ये सारे कंजुगेट है थीटा के, तो ये जो बनेगी क्या बनेगी, ये कंजुगेट फील्ड, इसको हम वर्ड बोल रहे हैं कंजुगेट फील्ड, यानी कि क्यू थीटा वन क्यू थीटा, ये सारी आपस में कंजुगेट फील्ड है। क्या बताया मैंने, कंजुगेट फील्ड, और ये कंजुगेट फील्ड आपस में क्या होंगी, आइसोमॉर्फिक होंगी। शर्त क्या करनी है, आइसोमॉर्फिज्म कैसे बनेगा, थीटा वन थीटा आई में चले जाए और लैम्डा लैम्डा में जाए जब लैम्डा इज रैशनल। ये बात हमने करी कि नया नाम दिया है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजुगेट फील्ड। नाउ वी आर कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल एक्सटेंशन। किसी भी एक्सटेंशन को नॉर्मल एक्सटेंशन कहेंगे, कब, जब उसकी सारी कंजुगेट फील्ड सेम हो जाए। देखिए अब कंजुगेट फील्ड कितनी बनेंगी, वो कई, जैसे इसमें भी देख लो दो बन सकती है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अभी आगे और बताएंगे। तो यानी कि नॉर्मल एक्सटेंशन इसको बोलते हैं कि वो एक्सटेंशन नॉर्मल एक्सटेंशन
इज कॉल्ड नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ क्यू इफ ऑल कंजुगेट फील्ड्स ऑफ के आर आइडेंटिकल टू के। अभी हम करके दिखाते हैं आपको कैसे। देखिए ये नॉर्मल एक्सटेंशन है क्यू की, मान ली दिस इज ए एक्सटेंशन ऑफ क्यू, ये क्यू की एक एक्सटेंशन है, हम इसको नॉर्मल एक्सटेंशन कहेंगे। क्यों देखते क्यों कहेंगे, क्यों का आंसर दे रहा हूं, ये जो रूट टू इसमें डाला गया एक्सटेंड करके, रूट टू किस मिनिमल पॉलिनोमियल से आया, एक्स स्क्वायर माइनस टू से, एक्स स्क्वायर माइनस टू मोनिक है, मिनिमल है, इरिड्यूसिबल है, इसकी दो ही जीरो, एक प्लस रूट और एक माइनस रूट टू, और दोनों की दोनों जीरो, दोनों की दोनों जीरो से जो पॉलिनोमियल, जो आपकी क्वाड्रेटिक, जो आपकी कंजुगेट फील्ड बनती है, बोथ आर सेम, इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे जी, नॉर्मल एक्सटेंशन कहेंगे। अब एक एग्जांपल नॉन नॉर्मल एक्सटेंशन का, एक ये एलिमेंट ले लिया, इसके दो कंजुगेट होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो है इस पॉलिनोमियल्स, ये मिनिमल पॉलिनोमियल बनेंगे इसके। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो फील्ड है और ये दो फील्ड सेम नहीं होंगे, ये फील्ड में तो इमेजिनरी चीज है ही नहीं, इसमें तो ओमेगा नाम की चीज आ गई, तो ये जो फील्ड है इसके आइडेंटिकल नहीं हुई, ये दो, ये और ये डिस्टिंक्ट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक्सटेंशन आप ले रहे हो, दिस एक्सटेंशन इज नॉट नॉर्मल एक्सटेंशन, जबकि पिछले में दोनों सेम आ गई थी, तो दिस एक्सटेंशन इज कॉल्ड नॉर्मल एक्सटेंशन। अब बात आती है नॉर्मल क्लोजर, नॉर्मल क्लोजर, नॉर्मल क्लोजर ऑफ के भी एक एक्सटेंशन है के की, परंतु उसके अंदर एक खासियत है, इट इज द स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन ऑफ के कंटेनिंग ऑल द कंजुगेट फील्ड्स ऑफ के, जो के की सारी कंजुगेट फील्ड्स को कंटेन करे, जैसे कि यहां पर ये एक्सटेंशन इसके इक्वल नहीं है, यानी कि इसके एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करती, तो हमें एक ऐसी फील्ड चाहिए जो इससे भी बड़ी हो, जो इसको 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 इन सबको क्या करे, कंटेन करे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, एक तो ये बात क्लियर है, फिर सुन लो, नॉर्मल क्लोजर ऑफ के इज द एक्सटेंशन, स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन ऑफ के विच कंटेनिंग ऑल द कंजुगेट फील्ड्स ऑफ के। पहले तो के खुद एक्सटेंशन है क्यू से, के इज इटसेल्फ एक्सटेंशन ऑफ क्यू, जैसे हमने यहां लिया ना, देखो ये इस एक्सटेंशन की बात है, इसको और कितना एक्सटेंड किया जाए, किसके अंदर इसके सारी की सारी कंजुगेट फील्ड्स आ जाए, मिनिमम कितना एक्सटेंड किया जाए। किसी ने कह दिया कि मैंने के वन एक्सटेंड कर, के वन बार बना दिया, किसी ने के टू बार बना दिया, ऐसा नहीं है। यदि किसी ने के वन बार बनाया है, के वन बार का मतलब एक्सटेंशन ऑफ के सच दैट इट कंटेन्स ऑल द कंजुगेट फील्ड, फिर किसी ने के टू बार बनाया एक्सटेंशन ऑफ के सच दैट इट कंटेन्स ऑल द कंजुगेट फील्ड्स ऑफ के, तो के वन बार इंटरसेक्शन के टू बार की भी यही सेम प्रॉपर्टी रखेगी, दिस इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ के एंड कंटेन्स ऑल द कंजुगेट फील्ड ऑफ के। यदि के वन और के टू सेम नहीं होती हैं, तो ये इंटरसेक्शन वाली फील्ड स्मॉलर डिग्री की बनेगी, तो हमें तो स्मॉलर से स्मॉलर डिग्री की लेने की बात करनी है, जैसे अगली पिछले क्वेश्चन में आता है, इसकी हम नॉर्मल क्लोजर की बात करें, ये क्यू से खुद एक्सटेंड होकर आया, परंतु ये नॉर्मल क्लोजर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने अभी बताया था कि इसके अंदर दो दो कंजुगेट फील्ड जो ऐसी हैं जो इसकी इक्वल नहीं है, इसको यदि हम इस पर ले जाते हैं तो ये इसका क्या बन जाएगा जी, नॉर्मल क्लोजर। ठीक है, तो ये था बेटा विषय, अब अगले हम पर चलेंगे, अगला जो टॉपिक हम चलेंगे, जो हमने पहले थ्योरम पढ़ी थी, उसी थ्योरम को अब कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक नंबर्स के लिए प्रूव करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसको कि हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।